इसे बुनियन गलिया बा पिंको ठललिया बा मारा जान तो हर कान में के बलिया बा तबाटे चढ़ल जवानी तक करब माना मानी लगा के आग पानी में बनाइब कहानी चावल से झाँ देवेलू गरम पतीला हो का तो हर आँख नीला नीला बतुशिला का कि जन्मों जन्म के, जनम के बवादा हो कहियों न बदली इरादा हो कब खोट नहीं हमर ईमान में होई तजदि न मिलन नि जहान में होई तयब के मिलन आसमान में होई जदि न मिलन जहान में होई तयब के मिलन आसमान में होई तोड़े के दिल इल्जाम न लगाव हमरा पर बेवफा के नाम न ना लगाव हमारे दिलवा में तो हर न के हो जगाली तैयार मैं पगला था तू पगली मैं ना बदला पर तू बदली नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में और जिस चाँद की तलाश करवा चौथ के दिन बहुत सी महिलाएं करती हैं उस चाँद की तलाश तो खैर मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन आज मैंने एक ऐसे चाँद की तलाश की है जो यकीनन भोजपुर इंडस्ट्री में चार चांद इस वक्त लगा रहे हैं जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ और कोई नहीं बल्कि आपके अपने सुपरस्टार चांद जी की इनके गाने चाहे बात करिए अपने लवर को धोखा दो चाहे आप बात करिए कमरिया जिसमें कि आदर्श भाई का आपने जलवा देखा उसमें इनकी आवाज आपने देखी पहली बार इन्हें आपने मेरे हिसाब से किसी गाने में लिपसिंग करते हुए देखा और जिसने भी देखा उसने कहा कि अभी तक आप कहाँ थे साथ ही साथ मिलन आसमान में हो जिस गाने ने एक भोजपुरी इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बनाया और यह दिखाया कि जरूरी नहीं है कि साया चोली गा गा के के या अश्लील गाने गाके ही आप आप स्टार बन सकते हैं आप कुछ ऐसे भी गाने करेंगे तो आपको लोग जानेंगे और पहचानेंगे वही चांद जी हमारे साथ हैं आइए इनके साथ ढेर सारी चर्चा करेंगे और आप सब लोग की काफी तमन्ना थी कि कुछ भैया एक बार चांद जी के साथ बैठिए और चर्चा करिए तो आज वह कंप्लीट होने जा रही है ध्यान से बैठिए बहुत कुछ आज चांद जी बोलेंगे और कई राज भी खोलेंगे सबसे पहले चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहले जितने भी लोग चर्चा न्यूज़ को देखते हैं और हमारे श्रोता है सबको नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्रीकाल सलाम कैसे आप एकदम बढ़िया पहला सवाल यही कि इतना बढ़िया आपका हेयर स्टाइल था लास्ट गाने में और काफ़ी लोगों ने सराहा कि चांद जी को हमने देखा यकीनन जैसे हिमेश रेशमिया का एक क्रेज था कि वो टोपी उतारते तो उन्हें देख पाता आदमी सोचता था क्या टकला है क्या ये ये भाई क्यों नहीं आ रहा है सामने टोपी क्यों नहीं उतार रहा है जब देखते थे हिमेश हिमेशमिया को बॉलीवुड में कभी लाल टोपी हरी टोपी नीली टोपी वैसे ही बहुत से लोग आपकी आवाज तो सुनते थे आपकी आवाज के दीवाने तो थे लेकिन चाहते थे कि चांद जी एक बार सामने आए अपने गाने में तो वो आपने सपना पूरा किया अक्सर आप अपने गाने में क्यों नहीं दिखते रीजन क्या है नहीं हम क्या है ना कि प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं अगर हम उस चीजों के लिए एबल हैं तो करें अगर नहीं है तो उनको उनके ऊपर छोड़ दे जो उस चीज़ों को बेहतर निभा सकते हैं हम संगीत को अच्छे तरीके से निभाते हैं और निभा रहे हैं तो उस चीज़ों के लिए हम आगे आते हैं और हमेशा अच्छा करने की कोशिश किया करते हैं लेकिन हमें लगता है कि एक्टिंग एक एक्टर ही बहुत अच्छा कर सकता है बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि हर चीज़ों को बखूबी निभाते हैं और वैसे में बहुत चुने गिने हैं तो इस कारण से मुझे लगा कि जो एक्टिंग करेंगे वो बेहतर करेंगे इसलिए मैंने मनी मिराज जी को चुना या अदरवाइज अभी आप आदर्श आनंद जी को देख रहे हैं या जिनके साथ भी आएगा तो अच्छे एक्टर आएंगे अच्छे लोग आएंगे जो कि अच्छा चीज़ों को प्रमोट करेंगे हम लोग कैसे आप सिलेक्ट करते हैं अपने गाने क्योंकि कई कलाकार गाने गाते हैं दस गाते हैं तो उसमें नौ फ्लॉप होते हैं एक हिट होता है लेकिन चांद जी के अंदर ऐसा कौन सा तरीका है ऐसा कौन सा कैलकुलेशन करते हैं कौन सा ऐसा गणित लगाते हैं कि जो गाने गाते हैं वही गाने हिट होते हैं कैसे आप सिलेक्ट करते हैं कि यही गाना मुझे करना है और पब्लिक के दिल में यह गाना चल जाएगा देखिए सबसे पहले क्या है कि मैं एक राइटर भी हूँ एक कंपोजर भी हूँ और एक सिंगर भी हूँ तो उन सब चीज़ों को भली भांति जानता हूँ कि क्या चलना चाहिए मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करता हूँ जनरेशन क्या बोल रही है और उसमें भी साफ सुथरा क्या होना चाहिए क्या कंपोजिशन क्या धून जिसपे लोग थिरक जाए तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा केयर करता हूँ और उसी सब चीज़ों को पब्लिक के बीच लाता हूँ तो उनसे प्यार आशीर्वाद मिलता है चांद जी को सुपरस्टार स्टार चांद जी बनाने की अगर बात की जाए तो आपके लाइफ में ऐसे कुछ शख्स ज़रूर होंगे क्योंकि कहते हैं ना कि किसी हीरो को बनाने के पीछे डायरेक्टर होता है आपके पीछे ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसने आज आपको सुपरस्टार बना दिया है देखिए हमारे इस करियर के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है सबको नहीं बता सकता हूँ लेकिन जो है जो कुछ अगर दो हाँ नाम बताना चाहते जैसे सबसे पहला तो है कि मनी मिराज जी हैं जो कि काफ़ी सपोर्ट किए और आजाद खान जी हैं वनु जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं पूरा मनी टीम है मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हो सकता है कि नहीं लोगों का छूट जाए तो उनको बुरा लग जाएगा इसलिए मैं सबका नाम ले, लेना भी मतलब ये हो रहा है क्योंकि मैं कौन सा नाम भूल जाऊंगा इसके लिए दिल से सॉरी बट आप लोग सबों का बहुत बड़ा साथ है और बहुत बड़ा हाथ है हमें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए इसके लिए इसके आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद अक्सर ये देखा जाता है भोजपुर इंडस्ट्री में किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ राइटर के साथ या फिर किसी एक्ट्रेस या एक्टर के साथ कॉम्बिनेशन बन जाता है तो साथ में वो लगातार वही काम करते हैं आपका दो गाना कंटिन्यू हिट हुआ एक तो शीला हो क्या हुआ उस उसके बाद अपने लवर को धोखा दो हुआ उसके बाद मिलन आसमान में हुई तीन तीन गाने आपके हिट हुए बैक टू बैक टू उसके बाद आपने आपने आदर्श को क्यों चुना यही आपने जोड़ी फिर से कंटिन्यू क्यों नहीं की वनु जी को या फिर मनी मिराज को चांस क्यों नहीं दिया आपने फिर ब्रेक क्यों किया रीजन क्या है जब हिट हो रहे थे गाने तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्या है ना कि मणि मिराज जी के पास अपना एक और ऑप्शन है कि वो कॉमेडी भी करते हैं तो उनके पास महीने में बीस से पच्चीस दिन वो कॉमेडी की ओर केयर रखते हैं अपना और हम लोगों को क्या है कि हम लोग सिर्फ संगीत ही है हमारे लिए और हम लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा अगर वो मान लीजिए बिजी रहते हैं तो हमारा शेड्यूल तो रुक जाता है ना इस कारण से उसी बीच में हम सोचे कि और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं ये हम लोग सबको एक दूसरे से सूझ बूझ कर ही उस चीजों को सामने रखा और लोग उस चीज़ों में मतलब सहमत थे तो मैंने किया काम तो क्या इससे आपके रिलेशन में तो कोई खटास नहीं आएगी मनी मिराज जी ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि भाई मैं एकदम बैक टू बैक हिट भी दे रहा हूँ उसके बाद इन्होंने मुझे हटा के वैसे काम दिया ऐसा कुछ तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है हो सकता है कि अभी और भी बहुत सारे क्रिएटर के साथ आ जाए ऐसा कुछ नहीं है देखिए काम जिनके साथ हो रहा है वो तो होगा ही अब आप हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते तो उसका भी तो उपाय करना पड़ेगा ना क्योंकि हम लोग भी संगीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग चाहते हैं कि कंटिन्यूटी बने रहे चाहे वो मनी मिराज के जरिए से बने या चांद जी के जरिए से बने बस मार्केट में बने रहना जरूरी है क्योंकि आज का कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और हम लोग साफ सुथरा गाते हैं तो और ज़्यादा टफ है क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में तो खासकर जानते हैं कि कैसे कैसे गाने गाकर लोग व्यूज़ बटोरते हैं तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अच्छे चीज भी देने हैं और लगातार देने हैं तो उन सब चीज़ों को देखते हुए काम करना पड़ता है आपके गाने के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड और कुमार आलम जी जो कि कहते हैं कि मैं अश्लीलता के खिलाफ हूँ मुझे अच्छे अच्छे गाने चाहिए लेकिन उसी कंपनी में औदेश प्रेमी जैसे लोगों के भी गाने रिलीज होते हैं जहां से आपका गाना रिलीज हुआ है और उसमें इतना अश्लीलता है उसका अर्थ भी नहीं निकल रहा है जहां आप सफाई लगा रहे हैं भोजपुर इंडस्ट्री में झाड़ू लगा रहे हैं कि अच्छा किया जाए बैक टू बैक हिट दें वहीं कुछ लोग उसी कंपनी से अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें आप क्या टिप्पणी करेंगे देखिए ऐसा नहीं है अभी क्या है ना कि जैसे हम तो उनसे जुड़े हुए छः से सात महीने हो चुके हैं और अब जितने भी गाने त्रिमूर्ति पे आ रहे हैं नीट एंड क्लीन आ रहे है hmm. क्योंकि उन्हें भी लगा है ऐसा कि साफ़ सुथरे गाने बच सकते हैं देखिए हर कोई कंपनी खोलते हैं तो बहुत सारा बहुत तरह के गाने लाते हैं बहुत तरह hmm. के ए, सिंगरों से गवाते हैं तो जिस वक्त जिनका नाम था तो उनसे लोग जुड़ रहे थे अब क्या है ना कि उनको लगा नहीं सिर्फ नाम और सिंगर से नहीं होगा वो चीज़ें अच्छे लाने होंगी और सबसे ये बहुत बड़ी हाथ है अभी आलम सर के साथ बहुत सारे गाने आने वाले उनके चैनल पे और सारा साफ सुथरा चाहे वो जीन क्रिएटर के साथ हो जो भी गाना आएगा हमारा ही नहीं बल्कि अब वो खुद खास कर सारे चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि हम लोग बेहतर काम और साफ सुथरा काम करें अभी उनका वो चीज रेगुलरली चल रहा है क्योंकि चीजें अभी उनके साथ बहुत सारे गाने आने वाले तो चर्चाएं होती रहती है मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊं उससे पहले आपके फैंस हो सकता है मुझसे नाराज हो जाएं उससे पहले वो आपकी आवाज थोड़ा सुनना चाहते हैं कोई भी गाना सिला हो या तो फिर मिलन आसमान में हुई या कोई भी आपके तो बहुत सारे गाने हिट हैं कोई भी एकाध दो लाइन बोलो नहीं किसे बुनियन गलिया बा पिंको ठल लिया बा मारा ता जान तो हर कान में के बलिया बा तबाटे चढ़ल जवानी तक रब माना मानी लगा के आग पानी में बनाई कहानी चावल सिझा देवेलू गरम पतीला हो का तो नीला नीला क्या बात है यकीन मानिए जो सुनते हैं ना एग्जैक्ट बिना म्यूजिक के भी वही लग रहा है क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अगर आपको सही से नहीं भी गाना आता है आपकी आवाज़ नहीं भी मीठी है तो रिवो वाटो टूल लगा के आप सिंगर बन सकते हैं लेकिन मैं यहाँ फेस टू फेस बैठा हुआ हूँ उस बम मुझे आ गए आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ठंडी का टाइम है नहीं तो मैं स्वेटर निकाल के आपको दिखाता बहुत प्यारी बहुत मीठी आवाज है और जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है तो मुश्किल नहीं है अगर चांदी जैसी आवाज होगी ऐसी सोच होगी और आपको राइटिंग के बारे में कंपोजिशन के बारे में नॉलेज होगा तो आप भी हिट हो सकते हैं सर एक गाना आपका और प्लीज मैं थोड़ा सा और तकलीफ दूंगा जिसमें जी ने और मुनिमराज जी ने काम किया था मिलन आसमान में हुई वो भी आपका ही गाना है थोड़ा सा एक आता दीजिए प्लीज जन्मो जनम के बवादा हो कहियो न बदली इरादा हो कब खोट नहीं ईमान में होई तयब के मिलन आसमान में होई मिलन जहान में होई तयब के मिलन आसमान में होई अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जिसका जो काम है उसको अच्छा लगता है मैं राइटर हूँ कंपोजर हूँ सिंगर हूं एक्टर नहीं हूँ तो अब आप एक्टर कब तक बनने वाले हैं आपको हम कब देखेंगे कि अपने गाने में आप ही एक्टिंग करेंगे किसी को स्टार के साथ में अपने फीमेल आर्टिस्ट के साथ में कब तक यह पॉसिबल हो पाएगा देखिए वैसा कोई मतलब मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं कि मैं एज एक्टर काम करूंगा और पता नहीं ये हो भी सकता है नहीं क्योंकि मुझे मैंने पहले ही बताया कि मैं जिस चीजों से इंटरेस्टेड हूँ वही काम ज्यादा बेहतर करता हूँ और राइटर मैं हूँ बट हमारे साथ अभी जितने काम कर रहे हैं सब सभी राइटर हमारे साथ काम करते हैं मैं पहले काम कर चुका है एज ए राइटर अब नहीं करता हूँ क्योंकि अब हमारे पास आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से इतना वर्क है और इतनी ज्यादा कामें आ गई हैं कि हम उसी चीजों में व्यस्त रहते हैं पहले आप राइटर थे कह रहे हैं जी आपका गाना किसने आपका लिखा हुआ कोई सिंगर है जिसने अपना लिखा हुआ गाना गाया हो गए हैं को? रहने दीजिए बहुत सारे गए स्टार भी गए हैं स्टार भी गए हैं अगर एक बताना चाहे इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि नहीं। बहुत से ऐसे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं जो पीछे से आगे आए हैं तो इसमें बताना कोई बेकार सी चीज तो नहीं आप बता सकते एक आत्मा किसके लिए आपने लिखा है मैंने राकेश मिश्रा जी के लिए भी लिखा है और नीलकमल जी के लिए भी लिखा है अभी नीलकमल जी के साथ नहीं आया है आने वाला है और बहुत सारे लोगों के साथ कंपोजिशन भी किया है जैसे कि पूर्वांचल पिक्चर में शायद मैंने एक कंपोजिशन किया था और, और भी बहुत सारे फिल्म में मैंने कंपोजिशन किया तो शुरुआत जब मेरी स्ट्रगल थी तो मैं बहुत तरह के काम करते आया था इस इंडस्ट्री में और अभी भी कर... लोगों को का लोगों को लगता है कि बस जी यूँ आए और यूँ उठ गए आसमान में चले गए चांद बन गए आपको देखना चाहिए कि इन्होंने भी स्ट्रगल किया है बिना स्ट्रगल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है और वैसे मैं ये जानना चाहूँगा जब आप लिख रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि मैं गाऊँगा मेरे गाने बैक टू बैक हिट होंगे ये थॉट था कुछ प्लान बना के आप ऐसा कर रहे थे या फिर ऐसे ही फिर एक ये चीज़ें हो गई नहीं सबसे पहले ए, मैंने एक टीम बनाया था उस वक्त मनी मिराज जी के साथ नहीं मिला था तो मैंने टीम इकट्ठा करना शुरू किया था क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ एकता में बल है जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, नहीं। लोगों से जब तक एक मुट्ठी नहीं बनेंगे ना आपको लोग तोड़ देंगे इस कारण से पहले मैंने मुठ्ठी बनना शुरू किया हमारे राइटर जुड़े लगभग दो से तीन राइटर जो आज हमारे लिए पर्सनली काम करते हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसमें से राइटर हमारे इमरान भाई हैं महताब है अमन आर्यन मेहताब आर्यन मेहता और अखंड जी हैं बहुत सारे ऐसे है राइटर हैं जो पर्सनली हमारे लिए काम करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर में बादल खान है अंकुश कुमार है गौरव रोशन जी है और मतलब आपकी एक बहुत बड़ी टीम है हाँ हम लोग एक टीम बनकर काम करते हैं एक गाना जो निकल के आता है उसमें बहुत लोग की मेहनत लगती है जी जी बहुत सारे राइटर और क्या बोलते हैं और बहुत सारे लोगों कहाँ मैं ज्यादा तो आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपको कहीं जाना भी है और भी हमारे मीडिया बंधु के लोग बैठे हुए हैं तो मैं ज्यादा टाइम नहीं एक लास्ट सवाल भोजपुर इंडस्ट्री में अक्सर स्टारों के आगे पीछे कंट्रोवर्सी रहती है आप अपने आप को कंट्रोवर्सी से कैसे बचा पाते हैं क्या करते हैं आप देखिए मैं हमेशा मैं इंडस्ट्री में काम जरूर कर रहा हूँ लेकिन हमारे और इंडस्ट्री में एक आड़ है एक खेत में आर होता है ना आर तो खेत के इस पार से भी आप चल सकते हैं और इस पार से भी चल सकते हैं पगडंडी जिसे बोलते हैं हम लोग ठीक है ना तो चलना साथ ही है लेकिन बस हम लोग थोड़ा सा ना अलग करके चलते हैं रीजन क्या है ना कि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जो है ना उलझा सकती है और ऐसी चीजें देखने को मिलती है आपको शायद आप करते हैं न्यूज तो आपको पता होगा जी इस कारण से हम सी इधर से निकलते हैं धीरे 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 बढ़ते रहे कछुआ की चाल चाले ज्यादा कुछ खुलासा करना चाहे अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आपका किसी कंपनी से किसी ऐसे स्टार के साथ में कुछ जैसे की मणिमिराज जी हुए आदर्श जी हुए ऐसे कोई और किसी के साथ आ रहा है कोई गाना कुछ हैंट कुछ क्ल्यू देना चाहें आप देखिए सबसे पहले तो

कि तोड़े के दिल इल्जाम न लगावा हमारे वफा के नाम न ना लगावा हमारे दिलवा में तू तो हर जगाली तैयारे में पगला था तू पगली मैं ना बदला पर तू बदली बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है किसी को गाने के लिए कहो तो बोलता है हुँ, 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 स्केल मिलाता है इससे आप समझ सकते हैं कि नोट का कितना सेंस है म्यूजिक का कितना सेंस है कहते ही तुरंत स्केल उठा ले रहे हैं और फिर गा रहे हैं आप इसी समझ सकते हैं कि इनको कितना नॉलेज है और बिना नॉलेज के आप अगर हिट होना चाहते हैं तो नहीं हो पाएंगे बॉस बहुत बहुत शुक्रिया और भी भाई लोग हैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी और चर्चा और चर्चा की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप एक ऐसा वैल्यू सेट कर रहे हैं भोजपुरी में कि अच्छा काम करके भी आप स्टार बन सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जो आपके फैंस देख रहे हैं चर्चा के थ्रू उन्हें आप क्या मैसेज देंगे जाते जाते बस प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे पूरे टीम पे जितने हम लोग वर्क करते हैं साथ में और साथ साथ हमारे चर्चा न्यूज वाले को भी आप लोग प्यार दे आशीर्वाद दे और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू